अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ट्रेंगला दे क्वेश्चन ने एक दो क्वेश्चन रह गए सी और जो करवाने हैं। स्टेटमेंट है, फाइंड ए पॉइंट ओ इनसाइड ए ट्रेंगल ए बी सी सो दैट फोर्सेस रिप्रेजेंटेड बाय ओ ए ओ बी ओ सी इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एक्टिंग एट ओ मेनटेन इक्विलिब्रियम। तो एक ट्रेंगल है, उस कोई पॉइंट है कितने भी वो अंदर, अपना उस पॉइंट को पता करना ता जो उस पॉइंट से लगन वाली फोर्सेस वर्टेक्स वालों वो इक्विलिब्रियम दे विच होन। ठीक है, या कहने का भाव कि आप चाहते हैं कि ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी जो है वो जीरो बन जाए। ठीक है, ये अपना मकसद है, आप प्रूव करना चाहते हैं। या अपन कह लो ये दे रखे है कि जो ये फोर्सेस इक्विलिब्रियम च होनी है तो ये पॉइंट के हो जाऊगा। ठीक है, तो कुल मिला के आप इस पॉइंट की आइडेंटिफिकेशन करनी है कि इस पॉइंट के उपर लगन वाली फोर्सेस वर्टिस वर्टिसिज वालों इक्विलिब्रियम मेंटेन कर तो ये पॉइंट किहो जिहा होएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन काफ़ी ट्रिकी है बिकॉज अपने को स्टार्ट दे सिर्फ एको ही चीज़ है अपन कि फोर्स का जरा सम है जीरो है, इस तो बाद हो कुछ नहीं है। तो एक्स्ट्रा अपन अपने को क्रिएट करना पेगा एक पॉइंट जी पॉइंट ट्रैंगल के अंदर जी पॉइंट जिसनों आप सेंट्रॉयड कहे सेंट्रॉयड और ट्रैंगल। आप जानते हैं सेंट्रॉयड की होंगे है कि ट्रैंगल के वर्टिसिज तो दूसरी साइड से आप जो मीडियन ड्रॉप करते हैं दूसरे साइड से, जिमें सपोज कर लो आ साइड वर्टेक्स ए है तो आ साइड डी एक मिड पॉइंट दे रखे डी, जो आप ए तो डी मिलाने हैं फिर दूसरी साइड से बी तो इधर किसी होर पॉइंट मिड पॉइंट ना मिलाने हैं तो जिते और कट कर दिया ने दोनों लाइन वो सेंट्रोइड वाला पॉइंट ही होंगे है। या कह लो कि जो मीडियन हैगा वाला इस दे ऊपर एक ऐसा पॉइंट होएगा जी वाला जिहड़ा दो इस इधर कट रहा होगा तो एक इस इधर कट रहा होगा। ये अपनी सेंट्रोइड की स्टैंडर्ड डेफिनेशन है जो जानते हैं अपन। रेशियो वाइज आप कह सकते हैं कि ए जी बटा जी डी जिहड़ा हैगा 2:1 के बराबर होगा या ए जी जिहड़ा हैगा जी डी का दुगना होएगा। ठीक है, तो आप इतने बड़े तरीके जो आपको लैम्बडा म्यू थ्योरम लगानी पैनी हैगी क्योंकि थोड़ा जहा इतने थोड़ा कॉम्पलैक्स काफ़ी नज़र आ रहा है। तो आप देखते हैं इतने ओ बी प्लस ओ सी ओ बी प्लस ओ सी तो एक तरह ना ट्रैंगल पूरी हो रही है ओ ओ बी सी। ठीक है, तो लैम्बडा म्यू थ्योरम के अकॉर्डिंग की है कि दिन दोनों का रिजल्टेंट जोड़ा है ओ डी वाले पास लगेगा। ठीक है, तो बी डी तो डी सी जी एक दूजे कैंसल कर रही हो। ठीक है, लैम्बडा म्यू थ्योरम के अकॉर्डिंग तो ओ बी प्लस ओ सी का जरा रिजल्टेंट है वह ओ डी दे लोंग लगेगा 1 + 1 ओ डी। ठीक है, 1 केड़ा है इधरला हिस्सा है तो 1 ये दूजे पास वाला हिस्सा क्योंकि जरा डी है मिड पॉइंट है। तो अपनी जी है लैमी थ्योरम लग गई इस ट्रैंगल दे विच ओ बी सी दे विच। ते अपना एक लैमी थ्योरम होर लगा सकते हैं किनू किनू लैके इस साइड नू लैके ओ डी नू ते इस ओ ए नू लैके, पर इतने पहले ना फर्क हैगा जी आ साइड तो आ साइड जो दोनों का जरा रिजल्टेंट होगा ये बाय लैमी थ्योरम ओ जी दे लोंग एक्ट करेगा। ठीक है, तो आपको किमें लेना पेगा आपको देखना पेगा कि रेशो कितनी है कि तेरे पास दो हिस्से है तेरे पास एक हिस्से है आ दूजा हिस्सा जोड़ा है ओ डी ना गुणा हो जाऊगा आ एक हिस्सा जोड़ा है ए ना ओ ए ना गुणा हो जाऊगा यानी कि ओ ए प्लस ओ डी किधर नू लगेगा ओ जी। तो जी कि पॉइंट है जोड़ा इस लाइन में ए डी लाइन में 2:1 हिस्से बनता हो। ठीक है, तो ये 1 + 2 ओ जी बन जाएगा। ठीक है, तो या कहने तो भाव कि ओ ए प्लस 2 ओ डी जोड़ा है 3 ओ जी के बराबर होगा। इसमें आप क्वेश्चन नंबर 4 कह देंगे। तो आप यूजिंग 3 ते 4 तुम देख सकते हो तुम आ जोड़ा है इतने ओ बी प्लस ओ सी का बराबर है ओ डी के बराबर है। ठीक है, 2 ओ डी दे क्लीयर, तो इनू आप इतने भर सकते हैं ओ बी प्लस ओ सी। ठीक है, 2 ओ डी ये की बन जाएगा फिर ये बन जाएगा ओ प्लस 2 ओ डी, पर 2 ओ डी कितना है 3 ओ जी के बराबर। तो पर ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी कितना सीगा 0 सीगा, फाइनल आंसर कितना आ गया 3 ओ जी। ठीक है, इहदा मतलब फिर ओ जी नू 0 होना पेगा। मैं रिपीट कर देना है आप वापस इसे लिखते हैं ये कहदे बराबर है 0 के बराबर, 0 बराबर ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी। ठीक है, ओ बी प्लस ओ सी आप लिखता 2 ओ डी,
हम जी नवी रिलेशन बनी है कि बराबर है ओ ए प्लस दो डी कहे बराबर है तीन ओ जी के बराबर है। ठीक है जी, तीन ओ जी स्टार्ट कितों किया जीरो तो, यदा मतलब फिर ओ जी कि हैगा जीरो के बराबर होगा। ओ डी का मतलब ओ डी ओ जी बराबर जीरो का मतलब की है कि जे ओ तो जी ने दोनों पॉइंट कोइनसाइड करेंगे एक दूजे नाल, यानी कि इन्हें दूरी जी है वो जीरो होगी। तो यह मतलब फिर की हैगा कि जो ओ पॉइंट है इस पॉइंट नूं ओ जी पॉइंट सेंट्रोइड के नाल कोइनसाइड करना पड़ेगा, ता जो ता ही जो फोर्स ने इक्विलिब्रियम च होनगियां। ठीक है, या जो फोर्स इक्विलिब्रियम च ने तो ये सेंट्रोइड दे नाल जिहड़ा हैगा ये पॉइंट ओवरलैप कर जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन देखने खासा मुश्किल लगता बिकॉज कुछ हैगा नहीं वैसे ये दिता हुआ अपन सिवाय इस रिलेशन दे जी आ दे रखी है आ वाली कि ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी जीरो के बराबर, होर कुछ नहीं है। इतने आपको सेंट्रोइड वाला पॉइंट खुद जनरेट करना पाया क्योंकि ये मतलब तुसी इनू ट्रिक कह लो या कह लो आप एक हेल्प लै रहे हैं क्योंकि कल्ला इतों तुरना बहुत मुश्किल है। ठीक है, काफ़ा काफ़ी मुश्किल है, इसलिए आपां सेंट्रोइड नूं इत्थे क्रिएट किया। बाय इंट्यूशन आपां लग रहा है कि जिहड़ा सेंट्रोइड हुंदा वो क्योंकि किसी भी ट्रायंगल का सेंटर हुंदा तां सेंटर ते लगन वाली फोर्सेस जिहड़ियां हैगियां वो जीरो दे सकदियां ने, ये मतलब गैस सीगा तां करके आपां सेंट्रोइड लै लिया। पॉइंट लैण नूं कोई होर पॉइंट भी लै सकते सीगे, ऑर्थो सेंटर भी लै सकते सी जां कोई एनी अदर पॉइंट भी कंसीडर किया जा सकता जी, पर हेल्पफुल उन्हें नहीं होना सीगा। तुसी दो तीन ट्राई मार सकते हो पर सब तो हेल्पफुल जिहड़ा हैगा वो सेंट्रोइड ही है। मैं भी कोशिश की सी इनू अलग अलग तरीके ना करन दी पर मतलब अखीर मजबूरी वश सेंट्रोइड वाला पॉइंट जनरेट करना ही पिया, ये बिना सरे ही नहीं। ठीक है, अगे चलते हैं आप। अगे है कोई 12 नंबर क्वेश्चन है, पी इज एनी पॉइंट इन द प्लेन ऑफ ट्रायंगल ए बी सी सच दैट डी ई एफ आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड बी सी सी ए एंड ए बी, शो दैट सिस्टम फाउंड बाय पी ए पी बी पी सी इज इक्विवेलेंट टू पी डी पी ई एंड पी एफ, आल्सो शो दैट रिजल्टेंट ऑफ पी ई पी एफ डी पी इज पी ए। ठीक है, इतने कोई ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है ये अपनी ट्रायंगल है तो इस ट्रायंगल के प्लेन के एक पॉइंट है पी, वो अंदर भी हो सकता बाहर भी हो सकता, आप फिलहाल इस दे उपर कंसनट्रेट नहीं करना पर मैं बाहर लेके चल लेना हैगा, बाहर कोई पॉइंट ले लिया पी। ठीक है, अंदर भी ले लो, अंदर भी अपना सिमिलर रिजल्ट ही डिराइव होएगा पर आप इस थोड़ा डिफरेंट दिखाने के लिए आप इस बाहर ही ले लिया तो तुम अपने लैवल से अंदर रख के भी प्रूव कर सकते हो जो प्रूव करना है। तो जो क्वेश्चन की क्या है कि जरा पी ई पी डी पी ई तो पी एफ, ठीक है इन तिना का जरा रिजल्टेंट होएगा या तिना का रिजल्टेंट इक्वलेंट जरा होएगा वह कहदे बराबर होगा वो पी डी पी ई सॉरी रिजल्टेंट जरा होएगा पी ए पी बी तो पी सी के बराबर होगा। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर दिना, आप प्रूव करना चाहते हाँ पी ई प्लस पी डी प्लस पी ई प्लस पी एफ बराबर होएगा पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी, ये चीज़ आप प्रूव करना चाहते हैं तो मतलब ये तो मतलब इक्वलेंट प्रूव करना चाहते हैं। तो चलो आप स्टार्ट कर लेने हैं लैमड़ा म्यू थ्योरम तो ही लै लें तो ई डी ई एफ तेरे मिड पॉइंट ने काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे अपने, तो आप मिड लगाने पी ए प्लस पी बी पी ए प्लस पी बी तो कहदे बराबर होगा पी एफ के बराबर, एक प्लस एक पी एफ। ठीक है, पी ए प्लस पी बी एक प्लस एक पी एफ क्योंकि आप एफ जरा मिड पॉइंट है इधर भी एक हिस्सा आएगा तो इधर भी एक हिस्सा आएगा। ठीक है, इस तरह ही आप ट्रायंगल जी है पी पी बी तो पी सी एक आधे बराबर होगा पी डी के बराबर अलोंग होएगा, एक हिस्सा इधर है तो एक हिस्सा इधरले पासे है। ठीक है, की हो जाएगा फिर पी अपना हो गया ये पी बी प्लस पी सी टू पी डी के बराबर होगा, सिमिलरली पी सी तो पी ए जोड़ा है वो टू पी ई के बराबर हो जाएगा। इस तरह अपन तीन रिलेशनस बन गई, एक नंबर रिलेशन दो नंबर रिलेशन तो तीन नंबर रिलेशन तिना जोड़ देंगे। ठीक है, इस तरह इतने पी ए दो पी ए हो जाएगा, पी बी भी दो पी बी हो जाएगा, पी सी भी दो पी सी हो जाएगा, इधरले पासे तो ऑलरेडी दो हैगा ही है तो दोनों पासे दो कट्टा जाऊगा तो इस तरह अपना रिजल्ट बन जाएगा। तो साफ नज़र आ रहा पी ए पी बी पी सी तिना का जो सम है वो पी एफ तो पी एफ पी डी तो पी ई के बराबर है। ठीक है, तो यदा मतलब दोनों सिस्टम जोड़े ने इक्वलेंट ने। हूँ एक तीजी चीज़ प्रूव करनी है, बस फर्क की है इतने आप पी ई पी एफ इतने पी डी जगह तो डी पी है। ठीक है, तो अगेन 1, 2 एंड 3 इंप्लाइज हम दोबारा वापस लिखते हैं इस रिलेशन नू, इस रिलेशन तो इस रिलेशन पहली नू लिखा दो भाग कर देना इधरले पासे। ठीक है, इस तरह लिखी जाएगी तो
इतने अपना है, इतने पी लिखने वाला रह गया, इतने पी है ठीक है। जी आ वाली है इसनों आप पी डी डी पी लिख लिया उल्टा आ के, तो एक एक्सट्रा नैगेटिव साइन जनरेट हो जाएगा ठीक है। तो तीसरी हो गई अपनी पी, और वो भी अपना इधर जरा है आ जरा दो हैगा इधरले पासे भाग हो जाएगा, एक बड़ा दो बन जाएगा। इन्होंने तिना भी जोड़ दो की है पी एफ प्लस डी पी प्लस पी ई। हम जो जोड़ोगे ना तेरी आ टर्म है तो आ टर्म है कट्टी जाऊगी, एक टर्म आ वाली कट्टी जाऊगी ठीक है। बचा कि एक अद्धा पी ए बचा तो अद्धा पी ए आ वाला पिया, दोनों जुड़ के की बन जाएंगे अद्धा पी ए, तो अद्धा पी ए की बन जाएगा एक पूरा पी ए बन जाएगा ठीक है। तो यही बड़ा आसान जहा काम सीगा, बस आसान हुण देखने लगता है, पर जो आप इसको एक्चुअल स्टार्ट तो स्टार्ट करते हैं उदो थोड़ा जहा मुश्किल होंगे है, पर जिमें जिमें आप प्रैक्टिस करते जावे कोई इन्ना मुश्किल काम नहीं है। लगना उही हों लैमड़ा म्यू थ्रूम लगानी होंगी या आप ट्रेंगल ला लगाना होंगे है, यही काम है अपना किमें किस तरीके लगाना है ये अपने से डिपेंड करता है। तो अपना जोड़ा है प्रैक्टिस के नाल ही पता लगता है, क्योंकि पिछला क्वेश्चन जो मैं देखा तो पिछले क्वेश्चन से मैं काफ़ी कुछ ट्राई करना पाया, क्योंकि उस क्वेश्चन ज़्यादा कुछ हैगा नहीं दे रखा, अपन पता ही नहीं स्टार्ट कितों करना है। तो सेंट्रोइड के वाले पॉइंट को जनरेट करना पाया अपने को, क्रिएट करना पाया, तो उस नाल क्वेश्चन काफ़ी आसान हो गया। अदरवाइज क्वेश्चन तोड़ना काफ़ी औखा सी, हैगा तो दो तीन लाइना का ही है, पर एग्जैक्ट जिहड़ा हैगा तरीके नाल इक्वेशनस नूं तैयार करना वो एक मुश्किल काम हो जाता है। अगे चलते हैं आपां, अगला है लैमीज थ्योरम। स्टेटमेंट मैं बोल दिना है, इफ थ्री नॉन लीनियर कोप्लानर फोर्स एक्टिंग एट ए पॉइंट आर इन इक्विलिब्रियम दैन ईच फोर्स शैल बी प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ एंगल बिटवीन अदर टू फोर्स। तो ये की है कि जो तीन फोर्स एक पॉइंट लग रही ने नॉन लीनियर तो को प्लानर इको प्लेन से हो थ्री डिमेंशनल नहीं ठीक है, तो जो इको प्लेन के लग रही तीन नॉन लीनियर फोर्स इक्विलिब्रियम के है ने, तो की होगा वह तीनों फोर्स हर एक तिना फोर्स हर एक फोर्स प्रपोर्शनल होएगी साइन ऑफ एंगल बिटवीन द अदर फोर्स। यानी कि जिम्मे आ सपोज कर लो अपन तीन फोर्स लग रही ने इस पॉइंट के उपर ठीक है, पी लग रही है, क्यू लग रही है, आर लग रही है, तो जी पी की मात्रा है या पी की जी मैगनीच्यूड है वह इस साइन के एंगल के प्रपोर्शनल होएगी ठीक है। इस तरह जी आह वाली क्यू फोर्स है वह इधरले पासे वाले साइन एंगल की प्रपोर्शनल होगी, तो इस तरह जी आर है वह इधरले पासे वाले एंगल की साइन प्रपोर्शनल होएगी ठीक है। यही थ्योरम कहती है, आप प्रूव भी यही करना है। तो जिमें पिछे जब किया ट्रेंगल ला वो भी प्रूव करना है, आप करना है इस फोर्स को डिसप्लेस करके इतने लै आना है, इस फोर्स को भी डिसप्लेस करके आप इधरले पास लै आना पैरलल रखते हुए ठीक है, डायरेक्शन नहीं चेंज करनी है, तो इस फोर्स को भी आप इधरले पास लै आना है ठीक है। चक के इनू इतने ले आओ इस जगह पर, तो फिर इधरले पास डिसप्लेस कर दो, पैरलल रखना है। तो आप मैगनीच्यूड नोट कर लेनी, जिनी मैगनीच्यूड होगी उत्थे ही आ जो पॉइंट आप इंटरसैक्ट करवा देने है, यानी कि जिनी फोर्स की मैगनीच्यूड है, जो सपोज कर लो फोर्स की मैगनीच्यूड 5 किलोग्राम है या 5 न्यूटन है, तो फिर इधर जरा डिस्टेंस हैगा भी 5 यूनिट का ही होना चाहिए है ठीक है। तो आप फोर्सिस ट्रेंगल के कन्वर्ट कर लेना बाय कीपिंग देयर मैगनीच्यूड एंड डायरेक्शन इन स्पैसिफिक ऑर्डर। तो इधरले पास मान लेने एंगल 180 माइनस ए है, 180 माइनस बी है, 180 माइनस सी है, तो तुम्हें पता होएगा फिर जे आ एंगल आ फिर एंगल जरा इधरले पास चला जाऊगा देख लो ठीक है, आर थे क्यू के आर है तो क्यू है आ एंगल 180 माइनस क्यू हो जाएगा। सेम तरीके आ जरा एंगल हैगा 180 माइनस बी वो इधरले पास आ जाऊगा, तो आ वाला जरा एंगल है वो इधरले पास आ जाऊगा, तो एक ट्रेंगल कंप्लीट हो रही है ठीक है। तो जे आ 180 माइनस बी है तो फिर आ बी होएगा एंगल, तो जे 180 माइनस सी है तो आ फिर सी होएगा, तो जे आ 180 माइनस ए है तो आ एंगल फिर ए होगा। तो आप जानते हैं साइन फार्मूले तो कि जड़ा हैगा इतने फिर लगा सकते हैं ईजीली की होगा साइन फार्मूला की कहता है, साइड जी होंगी है इस एंगल की प्रपोर्शनल होगी साइन ऑफ दिस एंगल, यानी कि बी सी जड़ा हैगा वह साइन ए दे प्रपोर्शनल होगा लिखा गया, तो जोड़ा सी ए हैगा वो इस साइन बी दे प्रपोर्शनल होगा लिखा गया, तो जोड़ा ए बी है वह साइन सी दे एंगल प्रपोर्शनल होएगा ठीक है। तो पर आप क्योंकि क्या हो जो साइडा ने स्ट्रेंगल दियाँ वह फोर्स के प्रपोर्शनल ने मैगनीच्यूड वाइज, तो फिर आप बी सी पी ए लिख सकते हैं, पी लिख सकते हैं, सी ए क्यू लिख सकते हैं, तो ए बी आप आर लिख सकते हैं ठीक है।
ਤੇ ਆ ਸਾਈਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਈਨ ਏ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਨ ਕੋ ਦੂਸਰੇ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਸਾਈਨ ਏ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਈਨ ਐਕਸ ਓ ਸੀ ਮਾਈਨਸ ਏ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਈਨ ਬੀ ਨੂੰ ਸਾਈਨ ਐਕਸ ਓ ਸੀ ਮਾਈਨਸ ਬੀ, ਏ ਸਾਈਨ ਐਕਸ ਓ ਸੀ ਮਾਈਨਸ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪੀ ਆਪਣਾ ਆਪਣੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਪੀ ਫਿਰ ਇਸ ਐਂਗਲ ਦੇ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਊ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਹ ਵਾਲਾ ਉਹ ਇਸ ਐਂਗਲ ਦੇ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਆਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਆਰ ਇਸ ਐਂਗਲ ਦੇ ਸਾਈਨ ਐਂਗਲ ਦੇ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੜਾ ਸਟੇਟ ਫਾਰਵਰਡ ਜਿਹਾ ਪਰੂਫ ਹੈਗਾ ਟ੍ਰੈਂਗਲ ਲਾ। ਇੱਥੇ ਟ੍ਰੈਂਗਲ ਲਾ ਕਹਿ ਲਓ ਦਾ, ਟ੍ਰੈਂਗਲ ਲਾ ਦੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੈਟਅਪ ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਈਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਯੂਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਥਿਊਰਮ ਦਾ। ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਜਦੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿੰਨੀ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਥਿਊਰਮ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਨਵਰਸ ਵੀ ਇਹਦਾ ਐਂ ਲੱਗੂਗਾ, ਇਸ ਮਤਲਬ ਐਕਟ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤਿੰਨ ਨੋਨ ਕੋ ਪਲਾਨਰ ਨੋਨ ਲੀਨੀਅਰ ਫੋਰਸਿਸ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਦੂਜੀ ਫੋਰਸ ਜੇ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਜੇ ਤਿੰਨ ਨੋਨ ਲੀਨੀਅਰ ਕੋ ਪਲਾਨਰ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਫੋਰਸਿਸ ਦੂਜੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਐਂਗਲ ਦੇ ਸਾਈਨ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਨੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਫੋਰਸ ਇਕੁਲੀਬ੍ਰੀਅਮ 'ਚ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੈਮੀਨ ਥਿਊਰਮ ਦਾ ਕਨਵਰਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਟੇਟ ਫਾਰਵਰਡ ਮੈਨਰ ਉਹੀ ਸਾਈਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਟ੍ਰੈਂਗਲ ਲਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਸਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 2D ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦਾ, ਇਸੇ ਲੈਮੀ ਥਿਊਰਮ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਐਜ਼ ਯੂਜੁਅਲ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਸੌਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਥ੍ਰੀ ਫੋਰਸਿਸ ਐਕਟਿੰਗ ਔਨ ਏ ਪਾਰਟੀਕਲ ਆਰ ਇਨ ਇਕੁਲੀਬ੍ਰੀਅਮ, ਦ ਐਂਗਲ ਬਿਟਵੀਨ ਫਸਟ ਐਂਡ ਸੈਕਿੰਡ ਇਜ਼ 105 ਡਿਗਰੀ, ਐਂਗਲ ਬਿਟਵੀਨ ਸੈਕਿੰਡ ਐਂਡ ਥਰਡ ਇਜ਼ 120 ਡਿਗਰੀ, ਫਾਇੰਡ ਦਾ ਰੇਸ਼ੋ ਆਫ ਫੋਰਸਿਸ। ਤਾਂ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈਗਾ, ਡਾਇਗ੍ਰਾਮ ਡਰਾਅ ਕਰ ਲਈ, ਇੱਧਰ ਫੋਰਸ ਪੀ ਹੈ ਫਸਟ ਫੋਰਸ, ਇੱਧਰ ਫੋਰਸ ਕਿਊ ਹੈ, ਇੱਧਰਲੇ ਫੋਰਸ ਆਰ ਫੋਰਸ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਫੋਰਸ 105 ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 120 ਡਿਗਰੀ ਹੈ। ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਹੀ ਲਵਾਂਗੇ, 360 ਘਟਾਓ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ 135 ਡਿਗਰੀ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਲੈਮੀ ਥਿਊਰਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਈਨ 120 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਊ ਹੈ ਉਹ ਸਾਈਨ ਆਫ 135 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੋਊਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਐਂਗਲ ਨਿਕਾਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣਾ 105 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੋਊਗੀ। 120 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਈਨ 120 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਈਨ 90+30 ਫਿਰ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਈਨ 90+45 ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਈਨ 90+15 ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਜੂਗਾ, ਕੋਸ 30 ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਕੋਸ 45 ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਕੋਸ 15 ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਕੋਸ 30 ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸਕੇਅਰ ਰੂਟ 3/2 ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਸ 45 1/2 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੋਸ 15 ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ +1 ਦੀ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੀਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕੋਸ 15 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੋਸ 45-30 ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਏ ਬੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ, ਕੋਸ ਏ ਕੋਸ ਬੀ ਮਾਈਨਸ ਸਾਈਨ ਏ ਸਾਈਨ ਸੋਰੀ ਪਲੱਸ ਸਾਈਨ ਏ ਸਾਈਨ ਬੀ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੋਸ 45 1/√2 ਸਾਈਨ ਕੋਸ ਦੀ ਸਕੇਅਰ ਰੂਟ 3/2, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਈਨ 45 1/√2 ਅਤੇ ਸਾਈਨ 30 ਸਕੇਅਰ ਰੂਟ 1/2 ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕੋਸ 15 ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 3 ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ। ਇਹ ਬੋਡੀ ਆਫ ਮਾਸ 60 kg ਸਸਪੈਂਡਡ ਟੂ ਫਾਈਨ ਲਾਈਟ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਆ, ਵਨ ਆਫ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਹੋਰੀਜੈਂਟਲ ਐਂਡ ਅਦਰ ਇਜ਼ ਇੰਕਲਾਈਨਡ ਐਟ ਐਂਗਲ 60 ਟੂ ਦਾ ਹੋਰੀਜੈਂਟਲ, ਵਟ ਇਜ਼ ਟੈਂਸ਼ਨ ਇਨ ਈਚ ਸਟ੍ਰਿੰਗ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਦੋ ਮਤਲਬ ਤਾਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਨੇ ਜਾਂ ਤਾਰਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਲਾਈਟ ਨੇ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਉਹ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੇਟ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, 60 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦਾ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੋਰੀਜੈਂਟਲ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਹੋਰੀਜੈਂਟਲ ਇਨ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਹ ਵਾਲਾ। ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰੀਜੈਂਟਲ ਦੇ ਨਾਲ 60 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਐਂਗਲ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਇਹ ਹੋਰੀਜੈਂਟਲ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 60 ਡਿਗਰੀ ਐਂਗਲ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੋਰੀਜੈਂਟਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਟੈਂਸ਼ਨ ਪਤਾ ਕਰੋ ਦੋਨੋਂ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇਸ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਹ ਐਂਗਲ 60 ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਹ ਵੀ 60 ਡਿਗਰੀ ਹੋਊਗਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਹ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ, 90+60 ਡਿਗਰੀ ਹੋਊਗਾ, ਅਤੇ ਆਹ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ 180-60 ਡਿਗਰੀ ਹੋਊਗਾ, ਅਤੇ ਆਹ ਤਾਂ 90 ਹੋਊਗਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਹੋਰੀਜੈਂਟਲ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇਟ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਸਨੂੰ ਲਮਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵਰਟੀਕਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਇਹ 90 ਡਿਗਰੀ ਐਂਗਲ ਬਣੂਗਾ। ਸਾਰੇ ਐਂਗਲ ਪਤਾ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। T1 ਆਹ ਵਾਲੀ ਟੈਂਸ਼ਨ ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗੀ, ਸਾਈਨ ਆਫ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੋਏਗੀ ਸਾਈਨ ਆਫ ਐਂਗਲ ਬਿਟਵੀਨ T2 ਐਂਡ 60, ਉਹ ਕਿੰਨਾ 90 ਡਿਗਰੀ ਹੈ, ਲਿਖ ਲਿਆ।
ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਟੀ ਟੂ ਹੈ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੋਊਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਹੈਗਾ 90+60, ਤਾਂ ਸਾਈਨ 90+60। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਤੀਸਰੀ ਫੋਰਸ ਆ 60 ਦੀ, ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਇਹ ਹੋਏਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿੰਨਾ ਐਂਗਲ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਹੈਗਾ 180-60। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸਾਈਨ 90 ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਈਨ 90+60 ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਸ 60 ਹੁੰਦਾ, ਕੋਸ 60 1/2 ਹੁੰਦਾ, ਸਾਈਨ 180-60 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਾਈਨ 60 ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਈਨ 60 √3/2 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਆਹ ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਗੁਣਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਟੀ ਵਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਅਤੇ ਆਹ 1/2 ਇੱਧਰ ਗੁਣਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਅਤੇ ਟੀ ਟੂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਦੋ ਆਂਸਰ ਆਉਂਦੇ, ਇੱਕ ਟੀ ਵਨ 40 √3 ਅਤੇ 20 √3। ਅਤੇ ਆਂਸਰ ਵੈਸੇ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਨਜ਼ਰ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਮੈਨੂੰ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਂਸਰ ਗਲਤ ਹੋਣ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਤੇ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਚਾਂਸਸ ਘੱਟ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ ਹੈ 7 ਅਤੇ ਏ ਫਾਈਨ ਲਾਈਟ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਏ ਓ ਬੀ ਆਫ ਲੈਂਥ 3734 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਇਜ਼ ਅਟੈਚਡ ਐਟ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਟੀ ਟੂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਏ ਐਂਡ ਬੀ situated at this part in horizontal line from point O, string distance 6 cm from A, a mass of 50 kg suspended, find the tension in string AO and OB। ਹੁਣ ਤੇ ਕੀ ਦੇ ਰੱਖਿਆ, ਕੋਈ ਤਾਗਾ ਹੈ, ਸਟਰਿੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਲੰਮਾ ਹੈਗਾ, 7 ਸਹੀ, 3/4 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਲੰਮਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੋ ਐਂਡ ਤੋਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਤਾ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਬੰਨਤਾ, ਏ ਐਂਡ ਅਤੇ ਬੀ ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੰਨਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵੇਟ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਤਾ, ਇੰਨਾ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ 50 kg ਦਾ ਵੇਟ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ 50 kg ਦਾ ਵੇਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਦੂਰੀ ਹੈ ਏ ਤੋਂ 6 cm ਹੈ। ਹਾਂ, ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ 6 cm ਹੈ, ਡਿਸਟੈਂਟ ਫਰੋਮ ਏ ਪੁਆਇੰਟ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਫਿਰ, ਟੋਟਲ ਲੈਂਥ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਏ ਓ ਬੀ ਦੀ ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, 734 ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਏ ਓ ਬੀ ਦੀ 31/4 ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਏ ਬੀ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਰੱਖੇ ਆ, ਦੋਨੋਂ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੂਰੀ ਇਹ 6 1/4 ਯਾਨੀ ਕਿ 25/4 ਆ ਜਾਏਗਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਓ ਏ ਹੈ ਉਹ 6 cm ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਫ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਓ ਬੀ ਨਿਕਾਲ ਸਕਦੇ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਓ ਬੀ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਫਿਰ, ਟੋਟਲ ਲੈਂਥ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਘਟਾ ਦਿਓ, 6 ਘਟਾ ਦਿਓ, ਟੋਟਲ ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ, 31/4 ਵਿੱਚੋਂ 6 ਘਟਾ ਤਾ, ਤਾਂ ਓ ਬੀ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ, 7/4 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਿਸ ਸਕੇਅਰ ਪਲੱਸ ਦਿਸ ਸਕੇਅਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੈਂਗਲ ਹੈ ਇਹ ਇੱਥੇ 90 ਡਿਗਰੀ 'ਤੇ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ 90 ਡਿਗਰੀ ਐਂਗਲ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਪਾਇਥਾਗੋਰਸ ਥਿਓਰਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਂਗਲ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਇਸ ਐਂਗਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਥੀਟਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ, 90-ਥੀਟਾ ਹੋਊਗਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਹ ਫਿਰ ਥੀਟਾ ਹੋਊਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਸਮ ਆਫ 3 ਐਂਗਲ ਦਾ ਟ੍ਰੈਂਗਲ ਆ 180 ਡਿਗਰੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਹ ਸੈਂਗਲ ਥੀਟਾ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਮਕਸਦ ਆਪਣਾ ਕੀ, ਆਪਾਂ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਕੋਸ ਥੀਟਾ ਨਿਕਾਲਣਾ ਆਪਣਾ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਹ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰੈਂਗਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਇਹ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟ੍ਰੈਂਗਲ ਹੈ, ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਕਾਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਪਰਪੈਂਡੀਕੁਲਰ ਓਵਰ ਹਾਈਪੋਟਨਿਊਜ਼, ਆਹ ਪਰਪੈਂਡੀਕੁਲਰ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਈਪੋਟਨਿਊਜ਼ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਓ ਬੀ ਬਟਾ ਏ ਬੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓ ਬੀ 7/4 ਹੈ ਅਤੇ ਏ ਬੀ 25/4, ਤਾਂ ਸਾਈਨ ਇੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਅਤੇ ਕੋਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਸ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਬੇਸ ਓਵਰ ਹਾਈਪੋਟਨਿਊਜ਼, ਯਾਨੀ ਕਿ ਓ ਏ ਬਟਾ ਏ ਬੀ, ਤਾਂ ਓ ਏ 6 ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਏ ਬੀ ਆਪਣਾ 25/4 ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਸ ਹੈ ਆਪਣਾ 24/25 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਥੀਟਾ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀ, ਥੀਟਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਲੈਮੀ ਥਿਊਰਮ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਹ ਦੋਨੋਂ ਫੋਰਸ ਦਾ ਟੈਂਸ਼ਨ ਇਸ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇਟ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਟੀ ਵਨ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਟੈਂਸ਼ਨ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਟੈਂਸ਼ਨ ਕਿ ਆਹ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਫ ਜੀ ਗੱਲ 180-ਥੀਟਾ ਹੋਊ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਈਨ 180-ਥੀਟਾ। ਅਤੇ ਟੀ ਟੂ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਹ 90+-ਥੀਟਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ 90+-ਥੀਟਾ ਹੋਊਗਾ। ਓਕੇ, ਸਾਈਨ 90+-ਥੀਟਾ, ਅਤੇ 50 ਥੱਲੇ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੋਊਗੀ, ਇਹ ਇਸ ਐਂਗਲ ਦੇ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ, 90 ਡਿਗਰੀ, ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆਹ ਵਾਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਈਨ 90, ਤਾਂ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਸਾਈਨ 180-ਥੀਟਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਇਹ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਦੀ ਕੀਮਤ ਭਰ ਦਿਓ ਇੱਥੇ 25/7। ਅਤੇ ਸਾਈਨ 90+-ਥੀਟਾ, ਇੱਥੇ ਕੋਸ ਥੀਟਾ ਹੋਊਗਾ, ਅਤੇ ਕੋਸ ਥੀਟਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ 24/25 ਭਰ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਟੀ ਵਨ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਇਕੁਏਟ ਕਰ ਦਿਓ,
तो टी वन की वैल्यू निकल आएगी, टी टू इस इक्वेट कर दो तो टी टू की वैल्यू निकल आएगी। आंसर तुम वेरीफाई कर सकते, वैसे मैं रफ चेक किया हो ठीक ने आंसर, ठीक है।